आज बनाए कराची में पीपुल्स पार्टी का मेयर, और कराची को जरूरत थी किसी नस्ली मेयर की या नस्ली बुनियादों पे मेयर बनने की जरूरत नहीं थी, कराची में जरूरत थी उस पार्टी के मेयर की जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक बसने वाली कौमियतों और जबानों को जोड़ सके अपने साथ। और ये खुशकिस्मती है कि हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की कि पीपुल्स पार्टी ने उसको मुंतखब किया है मुर्तजा वहाब को कराची में। और मैं तो यहां पे खड़े होकर कहता हूं कि फखरिया तौर पे मैं खड़े होकर कहता हूं कि वडेरा मियां मुर्तजा वहाब तुमको कराची की औताक मुबारक हो। मैं तो फखरिया तौर पे कहता हूं कि तुम्हें कराची की औताक मुबारक हो कि उस हमारी सदियों की जो रिवायत है उसको तुम यहां पे कंटिन्यू रख सको। कराची में कराची वो कराची बने जो 1850 में 1849 में था, कराची वो बने जो उस समय 1861 में पहली लाइन कराची से निकलती है कोटली तक पहुंचती है रेलवे की, कराची वो था जो पार्टीशन से पहले हसन अली अफंदी यदि फरियाल वालों का बड़ा था जिन्होंने यहां पे सिंध मदरसुल इस्लाम बनाया, उस जमाने में कराची था। अगर वहां पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अमन खान बना रहा था यहां पे हसन अली अफंदी बना रहा था, वहां पे अलंदशुआ नौशेरो फेरोज में स्कूल बना रहा था, कराची में दयाराम जेठमल डीजे साइंस कॉलेज कराची में बना रहा था जो पूरे बरेसगीर के बच्चे आके यहां पे पढ़ते थे। ये वो कराची था जहां पे ये फ्रेयर हॉल बन रहा था उस जमाने में 1860 की दिहाई में, ये फ्रेयर हॉल बन रहा था जहां दुनिया में बैडमिंटन के पहले रूल्स जो है वो फ्रेयर हॉल में बने थे उस जमाने में कराची था। कराची आज है क्या? उस जमाने में कराची था। वो कराची के लिए शेख अयाज ने कहा है ना, जिल मिलाईंदड़ कराची रोशनिन जा गीत गाईंदड़ कराची। मैं उमरकोट का रहने वाला हूं, मैं आज भी औरंगी और कोरंगी की गलियों में मुंदरी की तरह मैं फिट आता हूं इन गलियों पे। हम कराची को अलग थोड़ी समझते हैं, कराची तो उस जमाने में जब वास्को डी गामा हमले करने का ख्वाब देके कराची भी आ रहा था तो कराची बड़ी बंदरगाह थी, गुजरगाह थी यहां से। मैंने अगली दफा असेंबली में बयान किया था इन सलीम बलोच के बड़े कलमती थे जिन्होंने रजिस्ट किया था वास्को डी गामा को, पोर्चुगीज को रजिस्ट किया था जहां पे अमल खान शहीद हुआ था जिसका मुजस्मा आज गवादर में लगा हुआ है। उस जमाने में कराची को हम डिफेंड कर रहे थे। ये कराची कोई 47 के बाद बनाए क्या भाई? ये कराची जिसके लिए आज भी सिंधी कहते हैं हुई जा काल खां मुंजी उहाई अज कराची आ, असा लय माओ जी पोती असा लय लज कराची आ। हमारी माँ की पोती की तरह है कराची जिसको हम आपकी लाज समझते हैं। तो कराची वराची को छोड़ो, कराची अगर पीपुल्स पार्टी है तो पीपुल्स पार्टी ये सिंध का है जिन शहीदों के लाश अपने कंधों पे उठा के